पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने रवा माह मुलकीर लॉन्ग मार्च का ऐलान करने से हुए उसे फैसला कुन मुहैया करार दिया, जिससे वो करो या मरो के लिए तैयार हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने कहा कि इस महीने में तमाम चीजें वाजे हो जाए और सब ठीक हो जाएगा। इमरान खान ने कहा कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो हुकूमत कौमी सलामती पर भारी कीमत अदा कर देगी। मैं जानता हूँ कि वफाकी हुकूमत कबल इस वक्त इंतखाबात का ऐलान नहीं करेगी, इसलिए तहरीक इंसाफ अपने तमाम ऑप्शन पर गौर करेगा। इस बार वो पूरी तरह तैयार है और 25 में से गलतियां नहीं दोहराएंगे। जब पीटीआई ने अपना पिछला लॉन्ग मार्च किया था, उन्होंने कहा कि एहतजाजी रैलियां लाखों मुजाहिरीन के पास पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक तौसी धरने के लिए पहुंची थी। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत लॉन्ग मार्च को नहीं रोक सकेगी। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता 6 महीनों में मईशत को तबाह कर दिया।